झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो झेलम नदी के बैंक पे पोरोस एवं सिकंदर के मध्य वितस्ता का युद्ध हुआ था। शासक थे पोरोस और सिकंदर। निम्न में से किसने शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे? तो शुद्ध सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक का नाम है कुषाण। मौर्य काल में निर्मित सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण पुष्पगुप्त ने करवाया था, वो मौर्य काल में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त उनका नाम है। मेहरौली का स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? मेहरौली का स्तंभ लेख चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंधित है। गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया है? समुद्रगुप्त इस शासक को कविराज कहा गया है। दीवानी एवं फौजदारी से संबंधित ग्रंथ की रचना सर्वप्रथम कब हुई थी? गुप्त काल में दीवानी एवं फौजदारी से संबंधित ग्रंथ की रचना सर्वप्रथम की गई थी। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी? बोधगया में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का उन्मूलन करने के बाद विक्रमादित्य उपाधि धारण की थी। गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है जाता था? दिनार कहा जाता था। गुप्त काल के जनपदों की सूची में प्रथम जनपद का सम्मान किस निम्न में से किसे दिया गया? प्रयाग को। हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त के। सारनाथ के घमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? वह निर्माण हुआ था गुप्त काल में। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसका नाम है। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? सती प्रथा का जो प्रथम उल्लेख है वो आयरन अभिलेख से प्राप्त होता है। ऋग्वेदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? गाय का। ऋग्वेदिक युगीन नदी परुष्णी का महत्व क्यों है? परुष्णी नदी में दाशराग्न युद्ध के कारण परुष्णी नदी का महत्व है। ऋग्वेद में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं मिलता है? कपास का। ऋग्वेद में उल्लिखित करीब 25 नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी का नाम है सरस्वती नदी। ऋग्वेद में जन और विष का उल्लेख क्रमशः कितनी बार हुआ है? तो जन शब्द का उल्लेख 275 टाइम्स हुआ है और विष ये वर्ड का जो उल्लेख है वो 170 टाइम हुआ है। ऋग्वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? विदित। ऋग्वेद में 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्र का। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ तथा कुलीन। बोधगया में स्थित वह बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था किस शासक के द्वारा कटवा दिया गया है? गौड़ राजा शशांक। भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा कौन सी थी? भगवान बुद्ध की थी। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से उद्धृत है? मुंडकोपनिषद से उद्धृत है सत्यमेव जयते। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों की रचना लगभग 1000 BC और 600 BC के मध्य किन स्थानों पर की गई? गंगा के उत्तरी मैदान में। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? उल्लेख मिलने वाला ग्रंथ है अथर्ववेद। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में किस आश्रम का उल्लेख नहीं मिलता? संन्यास का। उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन थे? प्रजापति महत्वपूर्ण देवता थे। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी, तो
यही इस कारण की वजह से वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। राष्ट्र एवं राजा शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में। आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है? मध्य एशिया में बैक्ट्रिया। भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ निम्न में से कौन सा था? श्रीमद् भगवद गीता। जैन मत का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किस समुदाय में हुआ? व्यापारी वर्ग में। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। जैन धर्म के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है, यह कथन सत्य नहीं है। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का पिता किसने कहा था? वेलेंटाइन शिरोल ने। सुभाष चंद्र बोस से पूर्व आजाद हिंद फौज का कमांडर कौन था? कैप्टन मोहन सिंह था। ऋग्वेद में निष्क शब्द का प्रयोग किस आभूषण के लिए किया गया है? गले का हार। इस आभूषण के लिए निष्क शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। अथर्ववेद में किन दो संस्थाओं को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? सभा एवं समिति। इन दोनों को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में वर्णित नाम चंद्रश्री यानी चंद्रश्री के रूप में किस राजा की पहचान की गई है? उस राजा का नाम है चंद्रगुप्त। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत मौर्य साम्राज्य से बाहर था? असम। अवतारवाद का प्रथम उल्लेख निम्न में से किसमें मिलता है? तो अवतारवाद का एडवेंचर ऑफ सेवियर का उल्लेख भगवद गीता में मिलता है। तमिल राष्ट्र में दुर्गा का तादात्म्य तमिल देवी कोरवई से किया गया है। वे किस तत्व की तमिल देवी थी? युद्धा और विजय। वह प्रथम भारतीय शासक जिसने रोमन मुद्रा प्रणाली के अनुरूप अपने सिक्कों का प्रसारण किया, उसका संबंध किस साम्राज्य से था? कुषाण। हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? मुहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी। बहमनी साम्राज्य में प्रांतों को क्या कहा जाता था? तराफ या अतराफ। और लास्ट का क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल में जाट विद्रोह का नेता कौन था? जमींदार गोकुल सिंह, यह जाट विद्रोह का नेता था। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सीएन स्टडी पॉइंट इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, यानी आपको वो करने के बाद न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होगी। धन्यवाद, फिर से मिलेंगे पार्ट 5 में।